हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। और आज हम कवर करेंगे, टुडे वी विल कवर उत्तराखंड जनगणना 2011, जिसमें कि आपके 20 इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, जिनको कि हम जल्दी जल्दी आज ख़त्म करेंगे। आज हम इस लेसन को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो आपके पास हैं ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। 2011 के अनुसार उधम सिंह नगर जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित थे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 60 लाख, ऑप्शन बी 75 लाख, ऑप्शन सी 85 लाख, ऑप्शन डी 1 करोड़। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 85 लाख। ओके, उत्तराखंड राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता में 17वें और जनसंख्या में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट में उत्तराखंड की आबादी 85 लाख से अधिक थे, यानी इससे भी अधिक थे, लगभग हम 85 लाख ही मानेंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ओके, सॉरी, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है देहरादून। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद 2011 के अनुसार था देहरादून। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है? तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 78.82%। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर 78.82% है, जो कि संपूर्ण देश के औसत साक्षरता दर 73.00% से अधिक है। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कितना रहा है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे आप, कम रहा है, ऑप्शन बी है अधिक रहा है, ऑप्शन सी बराबर रहा, ऑप्शन डी लगभग बराबर रहा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, अधिक रहा। 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है पौड़ी, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है 800 से। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी टिहरी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर।
राज्य का सबसे कम नगरीकृत जिला है बागेश्वर, जिसने के 3.49% है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी देहरादून। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। 2011 के दौरान सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। ओके, जिसने कि 55.52% नगरीकृत किया है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 78.82%। ओके, तो आज हम शॉर्ट पढ़ेंगे, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी हरिद्वार। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। ओके, उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 186,292, 186,292। ओके, तो आप भी अपने नोट्स बना लीजिए। ओके, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 25वां। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। 2001 से 11 के दौरान सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी है, 62.35% रही है अभी तक। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला निम्न में से कौन है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, न चमोली है, न चंपावत है, न पौड़ी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा है। ओके, पहला इससे पहले ये क्वेश्चन आ रखा था, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का
देश में कौन सा स्थान है साक्षरता दर में। ओके, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 17वां। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो आप ऑप्शन पढ़िए और लिखिए अपने नोट्स पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। ओके, अब देहरादून की बात की जाए तो 55.52%, नैनीताल की बात की जाए तो 38.94%, और हरिद्वार की बात की जाए तो 36.66%। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली कि आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, नई क्लास में, नई वीडियो के साथ, नए MCQs के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।